वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो इतने ज़्यादा चीज़ों को देख के आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या लेके आई हूँ। तो ये है वो कलेक्शन जो मैंने रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले बनाया है। अगर आप में से कुछ भी छूट गया है, कुछ भी मिस हो गया है, तो आप इस वीडियो के थ्रू कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो आपको बनाना है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थालपोस हैं और काफ़ी बड़े बड़े थालपोस मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है अक्सर करके बड़े थालपोस के लिए, सो मैंने इन सब में बड़े थालपोस को ही मोस्टली इसमें मैंने ऐड किया है। तो आप इसमें से कुछ भी चाहते हैं अगर, तो इस वीडियो के थ्रू आपको मिल सकता है और आप उसे बना सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप इसमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे डीएम कर देना है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक करके मैं पूरा खोल के आपको दिखाऊंगी, पूरी डिज़ाइन दिखाऊंगी, प्लस उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक हैं। अगर जिस भी नंबर का थालपोस आप बनाना चाहते हैं, अगर उस नंबर के लिंक को खोलेंगे तो आपको सेम वीडियो ओपन हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा पसंद आया आपको ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से नंबर का थालपोस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये तीन रंग का बना हुआ बहुत ही खूबसूरत सा थालपोस जिसमें मैंने व्हाइट, रेड एंड ब्लू कलर को यूज़ किया है। काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइनों को भी मैंने इसमें यूज़ किया है और बहुत बड़ा ये थालपोस है, बहुत काफ़ी बड़ा है। तो अगर डाला छट के लिए आपको चाहिए तो आप इस थालपोस को बना सकते हैं और आप इसे बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं। बड़ा बनाना है तो भी बना सकते हैं। जितना बड़ा मैंने बनाया है आप देख सकते हैं, कहीं भी वर्क में कर्लिंग नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर मैंने इसे पूरा बताया है। सो अगर आप इस खूबसूरत से थालपोस को बनाना चाहते हैं तो एक नंबर के लिंक पर क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं बिना किसी मेहनत के, तो फिर आपको डीएम करना होगा एक स्क्रीनशॉट। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मल्टी कलर का थालपोस जो कि मैंने बची हुई ऊन से बनाया है। जब विंटर खत्म हुए ना, तो मेरे पास काफी ऊन बच गई थी, तो उससे मैंने इस थालपोस को बनाया था। आप में से काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया है। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा पैटर्न है, पूरा बटरफ्लाई पैटर्न पे बना हुआ है। और इसे भी आप चाहे जितना बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं, इनफैक्ट इससे बड़ा भी आप इसे बना सकते हैं। तो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो दो नंबर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका वीडियो ओपन हो जाएगा। थर्ड नंबर पे है अगेन एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा थालपोस, सिंपल पैटर्न पे बना हुआ। बीच की डिज़ाइन आप देख सकते हैं फ्लावर पैटर्न पे पूरी बनी हुई है और साइड में मैंने दूसरे कलर से इसका बॉर्डर बनाया है। दो कलर में मैंने इस पूरे थालपोस को रेडी किया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन है। सो एज अ टेबल कवर भी आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रही हो कोई डिज़ाइन तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो तीन नंबर के लिंक पे क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा। प्लस अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट के साथ आपको डीएम करना है। अगेन दो कलर से बना हुआ एक बहुत ही प्यारा सा थालपोस, इसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल अलग सा पैटर्न इसमें बॉर्डर का लुक आता है। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत से सिंपल से डिज़ाइन है। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आपको चार नंबर के लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इसे इजीली बना लेंगे। खुद आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा पैटर्न है, काफ़ी बड़ा है और इसका डायमीटर आई थिंक 24 या 25 इंच का डायमीटर है इसका। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पैटर्न, तो इसे बनाने के लिए चार नंबर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा। पांच नंबर पे है पफ पैटर्न पे बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा थालपोस। ये पूरी डिजाइन पफ पैटर्न पे बनी हुई है और झालर पैटर्न पे मैंने इसका पूरा ये साइड का जो बॉर्डर है वो बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पैटर्न है, बहुत खूबसूरत और सुंदर से डिजाइन है। बिगनर्स के लिए तो परफेक्ट आइटम है। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो पांच नंबर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसका वीडियो आपको ओपन हो जाएगा। सिक्स नंबर पे है पिंक और व्हाइट कलर में बना हुआ एक बहुत ही प्यारा सा थालपोस जो कि मैंने बिल्कुल अलग और पैटर्न पे अलग डिजाइन पे बनाया हुआ था। काफी ज्यादा लोगों को ये बहुत पसंद आया है। इससे पहले मैंने इसे सिंगल कलर में बनाया था तो रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास इसे डबल कलर में बनाने के लिए। सो इसको मैंने बनाया है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और प्यारी सी ये डिजाइन, कितना खूबसूरत सा पैटर्न बना हुआ है। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो सिक्स नंबर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा। सात नंबर पे है स्टार पैटर्न पे बना हुआ बहुत ही प्यारा सा थालपोस और ये थालपोस बिल्कुल अलग डिजाइन अलग पैटर्न पे बना हुआ है। इसके जैसा पैटर्न मैंने पहली बार ही बनाया था और बहुत ही खूबसूरत सा ये बनके भी रेडी हुआ था। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आपको सेवन नंबर के लिंक पे क्लिक करना होगा,
तो ये इसका वीडियो ओपन हो जाएगा और खुद आप देखिए कितनी प्यारी और खूबसूरत सी डिजाइन है, बिल्कुल अलग। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, इंटरेस्ट है आपको कुछ सबसे अलग बनाने का, तो आप ये थालपोस बना सकते हैं, बहुत प्यारा सा लुक देता है। 8 नंबर पे है एक फूल से बना हुआ थालपोस। ये मैंने एक फूल बीच में फ्लावर बना के लगाया और साइड में बिल्कुल अलग सेंटर वाली डिजाइन बनाई है, और सेंटर वाली डिजाइन के बाद मैंने इसका पूरा पार्ट कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मजेंटा एंड व्हाइट कलर में ये थालपोस बना हुआ है, काफी बड़ा सा थालपोस भी है ये, आप खुद देख सकते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा सा पैटर्न है। तो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आपको 8 नंबर के लिंक पे क्लिक करना होगा। अगर आप 8 नंबर पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका वीडियो ओपन हो जाएगा, और अगर आप इनमें से कोई भी परचेज करना चाहते हैं तो आपको एक स्क्रीनशॉट के साथ सिर्फ डीएम करना होगा। 9 नंबर पे है अगेन बची हुई ऊन से बना हुआ एक बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिजाइन भी लग रही है और बिल्कुल सिंपल, सिर्फ कुछ नहीं है, ब्लॉक पैटर्न पे मैंने ये पूरा थालपोस बनाया है। स्टार टाइप का इसका लुक है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो आपके पास भी अगर बची हुई ऊन है तो आप इस तरीके का थालपोस बना सकते हैं, ऊन भी यूज हो जाती है तो, और चीज भी कुछ अच्छी बन के रेडी होती है, सिंपल है तो जल्दी बन के रेडी भी हो जाता है। कौन सा आपको अच्छा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मत मिस करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं, एज अ टेबल कवर भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट के साथ मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम करें। और सबसे लास्ट में है आज का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा खूबसूरत थालपोस जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। 2 कलर में ये थालपोस बना हुआ है और मेरे जितने भी थालपोस बने हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा बड़ा है। इसका डायमीटर लगभग 36 से 37 इंच का है। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैंने इस थालपोस को बनाया है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी बनके रेडी हुआ है। बिगनर भी इसे इजीली बना लेंगे, बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आपको 10 नंबर के लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो ओपन हो जाएगा, और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक डीएम कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा कुछ आज का कलेक्शन, कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी कुछ नई डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।